संगवारी हो, ये है तेज बहार है और इतनी दिन छत्तीसगढ़िया ते है, कौन बने करोड़पति में गई रही से हम घर में जावत नही कर गुड बात कर बोन देखा था कौन कौन है, कौन कौन भैया, वाह कैसे भैया आपे मानोगा छत्तीसगढ़िया के भी क्यों आ रहे हो भैया भैया बहुत आपन बधाई आपमन भाई यहाँ बैठो बैठो अपने घर बैठो अपने घर भैया। ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप मन यहाँ के जो छत्तीसगढ़ की माटी में बोली ला अपन वहाँ बहुत बगरा सुनाई में आए हैं, तो हम तो पहले भी जानवर भैया कैसे टाइप के आपके जो सफर रही थे केबीसी तक पहुंचे इतना बताते हो पहले। सबसे पहली बात मैं बताऊँ छत्तीसगढ़ के जो माटी है खुशबू तो आवेज करी जी, काबर जब छत्तीसगढ़ के आदमी जावा तो वहाँ माटी खुशबू आने चाहिए। बिल्कुल सही है ना। हाँ, तो वहाँ जाके एक अद्भुत एहसास हुई थी वहाँ जी, और जो आनंद हुई थी मैं अपन बता कम मोड से बन पाई बन वो बता जी, 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 जी। लेकिन तो वो एहसास ना पूरा बताना मोर बस के बाद का बात है। अच्छा भैया कहाँ के मूल रूप से कहाँ का भैया? मैं मोर जन्म स्थान आरंग है रायपुर जिला जी, जी, जी। और वर्तमान में सेज बाहर में रहा था हूँ जी, जी, ना और मोर पेपर कप के व्यवसाय है जी, जी, जी। और बस हम दो 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 लड़का है और हमारा जो नहीं मतलब दो हमारे द्वारा लाइफ क्या बात है भैया। ये आपके जो सफर कैसे टाइप के आपन तय करे हो, कैसे आप तैयारी कर रहे हो, आप वहाँ जाए सोच रहे हो, कहाँ से आपने प्रेरणा मिली? तो कभी सोच नहीं रहा कि मैं कभी केबीसी में जा पाऊँ और एक डर रहत रही से कि ना केबीसी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं फटाफट आंसर देना है। हाँ, हाँ। एक तो कॉन्फिडेंस मोर लो होता रहा है हमेशा, हम और भैया भी कहा थे एक तो जाना चाहिए या जाना चाहिए करके। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन क्या हुई मतलब कब से सोचा रहे कब से कई साल पहले मन में दबे ही से, लेकिन वो कहा हुई से मोर लड़का जो है ना श्रेयांश देवांगन है वो बोली इसकी पापा आप हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं उसको आप बहुत अच्छे से बताते हो जी, तो आप केबीसी में क्यों नहीं जाना जाते आप सर? तो मैं बोले बेटा मोर बस के बात नहीं है वहाँ जाना। अच्छा अच्छा। तो पता नहीं होगा जब आईस ना केबीसी में रजिस्ट्रेशन के वो रजिस्ट्रेशन कर दी मतलब पूछ पूछ के पूरा। अच्छा है ना, और वो क्वेश्चन मन के आंसर मोर पूछ पूछ के मतलब सबमिट था वो कर दी। हाँ, हाँ, है ना, हमने पता भी नहीं चली जब वहाँ केबीसी जब कॉल है तब मालूम चलते कि केबीसी कॉल में बाद में बोलते कि पापा मैंने रजिस्ट्रेशन आपका किया था करके। अच्छा। तब वो कर बाद से मतलब हम उनके प्रयास शुरू है पढ़े पढ़े बढ़े थोड़ा बहुत, वैसे भी जननी में क्या है न्यूज चैनल देखता हूँ, छत्तीसगढ़ी क्षेत्रीय चैनल देखता हूँ, न्यूज पेपर पढ़ता हूँ, और क्या है मोर वाइफ का बोलते पढ़े मतलब कॉम्पिटिशन की तैयारी करते ना जो प्रत्युत्तरपण वगैरह जो भी जो पत्रिका रहते मासिक पत्रिका वो मोर इंटरेस्ट रहते हैं है ना, तो ओवर कारण से मोर बहुत कुछ सपोर्ट मिली से। और सबसे बड़े बात तो वहाँ जाए के सौभाग्य मिली मतलब मैं तो गदगद हो गया अमिताभ बच्चन से मिल के ना, अरे बाप रे कहा बताओ मैं वो चार दिन भी गया हूँ। ये आपके पहले प्रयास रही भैया? ये पहले प्रयास रही। आप पहले कभी कोई साल कभी सोचे रहे हो कि मुला जाना चाहिए, कभी देखा रहे हो केबीसी? आप पहले केबीसी तो खूब देखे मैं। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन हिम्मत कभी नहीं होती इसके मैं जा पाऊँ कि नहीं। तो बालक जो है उद्धार करती थी किताब से। बहुत बड़ी बात है। तो चार दिन के जो अनुभव भी बताते हो किसी टाइप के चार दिन आपने? चार दिन का अनुभव ऐसे रही दिया कि शुरू में जब एक दिन गेंद ना तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन जब सामने बैठी है ना मैं तो बॉक खा गया हूँ मोर रंग उड़ के मतलब पूरा दिन भर तो मैं ना मुलाकात बोलते होश ही नहीं रही मैं कहाँ बैठा होती एकदम खाली मोर सीट जो रही ना जस्ट अमिताभ बच्चन जी के सामने से मेरी है ना मैं एकदम दिन भर वाला दिखाते रह गया मतलब ओकर व्यक्तित्व बाप रे बाप ओकर आवाज जो वॉइस जो है निकलते नहीं हम मोर तो ना रुआ मन ठाकर हो जाए बोटिया एकदम। तब भैया एक चीज जैसे हमन सुने हैं कि आपन छत्तीसगढ़ी में वहाँ बहुत अच्छा उठाया हो, तो भैया ये जब बहुत बड़े मंच थे तो समय मन में नहीं कि यार मैं छत्तीसगढ़ी उठाया हूँ तो बाकी जन का सोची या समझ पाए नहीं कहा है? एक्चुअल में छत्तीसगढ़ी बोलना एक अलग चीज है लेकिन हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है जी। सबसे पहले तो ओला प्राथमिकता देना चाहिए बिल्कुल है ना, हमारे मातृ बोली है वो तो निकलना ही कहीं कहीं निकलना चाहिए जी। काबर की हमारे दाई दामद जेकर से सीखे ना हमारा वो बोली कहाँ जाए और बोला कोनो रोक भी नहीं सके बिल्कुल है ना, वहाँ के जो भी जैसे बात हुई ना वो वहाँ पे जाके देखे मजा ही अभी अभी जब आई ना प्रोग्राम ना तब आप देखो बहुत अच्छा लगी से। और सबसे पहली बात तो जब सदी के महानायक के सामने जब मैं बैठे हुए हैं तो मैं तो गदगद हो गया भगवान की कसम कहा बताओ मैं। भैया आपकी पढ़ाई लिखाई कहा है वो कैसे बारी कहां मोर पढ़ाई का बोलते हैं ग्रेजुएशन करे हैं मैं बीए में करे हूँ अब मोर जन्म स्थान आरंग है। बीए कहां से करे हो भैया? बीए में आरंग से करे मैं। अच्छा। पूरा पढ़ाई आरंग से हुए। अच्छा अच्छा। हम और सारा दोस्त है पूरा और क्या बोलते सबका परिचित है ना आरंग में भरे पड़े हैं पूरा मतलब आरंग के माटी में रम जाए पड़े हूँ मैं जी। अच्छा है ना। अच्छा ऐसा केबीसी के बारे में बोले ऐसे जो लेवल है जो क्वेश्चन है वो सबसे हटके रहते अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करता बोले वो करते वो हटके रहते केबीसी तो आप जो क्वेश्चन के जो क्या बोलते पैटर्न जो है वो एकदम डिफरेंट है जी। वो मैं ऐसा मिलाप है कि एक छोटे से लड़का जो पांचवी क्लास पढ़ा थे ओकर से लेकर जो यूपीएससी तैयारी कर रहे थे प्लस ओकर साथ जो मीडिया राजनीति और जो देश विदेश के बारे में जानकारी रखते ना वो सबके मिलाप है मतलब ये ऐसे क्या बोलते प्लेटफॉर्म है
कि सामान्य जैसे हमन कहा है कि पढ़ लिखे के बाद पढ़े लिखे के बाद ना हमन धंधा पानी या नौकरी मांगे ओकर बाद हमारे दिमाग से पढ़ाई लिखाई भूल जाते बिल्कुल है ना। तो ये केबीसी ऐसा प्लेटफॉर्म हरे वो चीज हमन ला लिंक्स बना कर रखते ताकि हमन जैसे कि आज हम पढ़ लिख के छोड़ देते हमारे पढ़ाई लिखाई जानकारी सब भुला गए या हल्का हो गया तो कल ओकर बाद हमारे लड़का पूछते कि ये पापा ये देख का चीज होते ये केबीसी में इंटरेस्ट लेने वाला फट ले बता देते। मतलब ये ऐसे है कि ना शिक्षा से ना एकदम जोड़ कर रखने वाला प्लेटफॉर्म है। जी जी शिवशंकर भाई आप मैडम से घलोक बात करो मैडम आपो मन वहाँ बैठो बैठो आपो मन कंटेस्टेंट गए रहे वहाँ बन के तो कैसे टाइप के आपला महसूस हुई कैसे लगे बताओ आप थोड़ा वहाँ के। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मोर यहाँ लड़का और मोर पति के जेकर वजह से मैं यहाँ वो प्लेटफॉर्म में बैठ पाया हाँ और सदी के महानायक से मुलाकात हुई से और तो बहुत बड़े सौभाग्य। एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अक्सर जो बच्चन साहब है बहुत ज्यादा सम्मान करते कोई भी वहाँ सामने बैठे ये बहुत बड़े खासियत है तो इसे बहुत बड़े खासियत है। और अमिताभ जी के मुंह से अपन नाम सुनना तुलसी जी सुनना यानी आज वो नाम इतना खास लगे लग गए बहुत बहुत अच्छा। अपन बारे में थोड़ा बताते हो आपके पढ़ाई लिखाई कहाँ है आप बता कि आपन सिविल सर्विसेज तैयारी कुछ करत हो या प्रतियोगिता। हाँ, मैं CGPSC की तैयारी करत हूँ और वहाँ तो चर्चा मतलब बहुत कुछ तो हमारे पारिवारिक लाइफ में भी हो है। अच्छा अच्छा हाँ और जेकर ना पूरा श्रेय और यहाँ मोर हस्बैंड ला जाते हाँ तो वो चर्चा तो पूरा वहाँ हो या बाप मन देखो तो बहुत मजेदार है। तो मोर तो पढ़ाई है मैं MA करे हूँ और MA हिंदी से करे हूँ और PSC की तैयारी मोर अभी तक जारी है और पढ़ते हूँ अब दिला तो प्रयासरत हूँ मैं। तो जैसे आमतौर पे जो गृहिणी जो गृहस्थी वाला महिला होते हो मन जब पढ़ाई की तैयारी करते तो अगर पति के सपोर्ट जो है बहुत ज्यादा मायने रखते तो ये कितना सपोर्ट करते हैं भाई साहब। बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। अब ये कहा है कि मोर जैसे ग्रेजुएशन हुई से फिर मोला कोचिंग में डाल दी। अब कोचिंग के ऐसे बात है कि कोचिंग से आए में 9 बज जाना है हाँ अब आके मोला घर में खाना बनाना है सब करना पर ये इतना अच्छा कि मैं आऊँ और मोर घर में देखता तो मोर खाना बने रखा वाँ, है वाँ, वाँ, बहुत तो ये जो है बहुत अच्छा है सपोर्टिव है बहुत अच्छा जी। बात करेंगे श्रेयान जी वो पूरा ये सूत्रधार रहा है केबीसी तक पहुंचने का इनका। अच्छा बेटा ये बताओ आप कौन सी क्लास में हो। मैं क्लास 8 में। अच्छा कैसे आपको लगा कि अपने को केबीसी के लिए रजिस्ट्रेशन करना जी कहाँ से बात आपके माइंड में आई। मैं जब बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पापा से पूछता था तो उसके तुरंत आंसर आ जाते थे तो इसलिए मेरे को लगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो पापा के लिए बहुत सही रहेगा। क्या बात है। तो कहाँ से अपने को ये सोच लिए अपन कि भाई क्योंकि हम लोग हम खुद कई बार रजिस्टर नहीं करा पाते आप वो कर भी डाले उसको ऐसा ये कैसे हुआ होगा। मेरा मेरा माइंड थोड़ा टेक्निकल है मैं अपने ना कंप्यूटर टीचर्स बहुत सारे टीचर्स हैं उनसे प्रेरणा लेके सब चीज। अच्छा बेटा बता अब आगे आपकी क्या इच्छा अब आगे आपकी भी इच्छा कभी होगी मैं भी कभी केबीसी में जाऊँ सोचते नहीं सोचते आप। हाँ मैं सोचता हूँ। अच्छा आगे बनना क्या चाहते हो आप। मैं इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ। अच्छा उसी पूरी नॉलेज आपने ले ली है सबसे। चलो बहुत शुभकामनाएं बधाई आपको पूरी फैमिली को बधाई देना चाहता हूँ इतना अच्छा आप लोगों ने कॉपरेट किया और बातचीत की और बहुत आगे आप लोग इसी तरह हमारे जो शहर का नाम बढ़ा रहे हो क्या बात है।